वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। सो आज आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आज जा रहा हूँ रामपुर की रजा लाइब्रेरी एंड जो कि एशिया की सबसे बड़ी रजा लाइब्रेरी है। एंड बाकी बातें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, तो फिर जब तक चलते हैं। फाइनली मैं एंटर हो चुका हूँ एंड आप पहले इसको देख लीजिए। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये ऐसे पूरा नहीं दिख पा रहा, पहले मैं इसका पार्क में जाकर दिखाता हूँ। ये रहा इसका पार्क, वो सामने दिख रही है ना मूर्ति, वो लोग कहते हैं कि वो सोने की है। आपका क्या मानना है कि वो सोने की है या नहीं है? पार्क भी बहुत अच्छा है, अगर पार्क की बात करें तो पार्क बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी लोग आते हैं टूरिस्ट। ये एशिया की सबसे बड़ी रजा लाइब्रेरी है, इसमें 30,000 बुक्स हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में है रखी हुई हैं इसमें बुक्स, और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत से लोग आते हैं इसे विज़िट करने। कभी तुम भी आओ अपनी फैमिली के साथ, इसे विज़िट करो, जब रामपुर में आओ तो इसे ज़रूर विज़िट करके जाना। एंड इसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं जो कि रामायण वगैरह हैं, जो कि सोने से लिखी हुई हैं, एंड बाइबल भी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिसको हम अंदर ही जाकर देख पाएंगे। मैं शायद इसमें पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ। पहले ये फुव्वारे चलते थे बट अभी पता नहीं किस रीज़न से ये बंद है, बट कोई नहीं, आगे हम दिखाते चलते हैं। ये रामपुर के किसी भी कोने से भी दिख जाता है यार, यहाँ तक कि मेरे घर से भी दिख जाता है। तो आओ कभी इसको देखने के लिए रामपुर, जब भी आओ तो इसको ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं अपने भाई को घुमाने के लिए लेकर आया था। क्यों ब्रो, हाउ एक्सपीरियंस? नाइस, वेरी नाइस यार, मज़ा आ गया? बहुत बढ़िया थी। फिलहाल भाई को तो मज़ा आ ही गया है एंड तो फिर आपको भी क्यों ना मज़ा आए। तो फिर बिना देरी किए हुए फिर हम अंदर चलते हैं। फाइनली हम चलते हैं अब ऊपर की ओर, आपको दिखाता हूँ मैं। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, इसमें मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता इसलिए मैं कुछ समझा नहीं सकता इतना। व्यू बहुत अच्छा है, हैंडमेड है यार ये। फारसी में यहाँ पे रामायण रखी हुई है एंड पवित्र कुरान भी रखा हुआ है, 7th century का है। ये डैगर है, डैगर जो है 8th century का है, एंड ये वाला डैगर जो है 9th century का है। हैवी, बहुत डेंजर है, इसलिए रामपुर चाकू के नाम से फेमस है। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये भी 9th century का है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ये 9th century का है। एंड इसका वाओ, ये रही वॉकिंग स्टिक जो कि ऊपर चांदी से बनी हुई है और नीचे सोने से बनी हुई है।
नेहरू वुड ओपर पार्ट ऑफ द कवर्स विद सिल्वर इन नेम उर्दू अहमद रजा खान, बाकी आप पढ़ लेना इसको। यहाँ पे रैक्स है जो कि डेकोरेटेड किए गए हैं विद सिल्वर से। वाओ, ये गोल्ड से हुआ हुआ है। ये मशाल, ये चीज़ तो मुझे नहीं समझ में आ रही मशाल क्या होता है। इसको बोलते हैं असली रामपुरी चाकू। ये सोने से है, नीचे ये सिल्वर है। ये चाकू, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये कॉपर प्लेट पे इस पे कुरान लिखा हुआ है। ये शवाद वाली है। ये 19th सेंचुरी की पिस्तौल है। ये रही रिवॉल्वर 19th सेंचुरी की, कभी इसको यूज़ किया होगा। ये कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रही है।